जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं क्लास रायका और आप देख रहे हैं रायका टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज वो बताने वाला हूँ किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। किसी भी प्रकार फोटो उसका बैकग्राउंड आप बिल्कुल हटा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा यहाँ ये इस एप्लीकेशन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जाकर इसको एप्लीकेशन डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है लोड फोटो, इस पर आपको ओके कर देना है। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट फीचर है। अब आपको जाना है फोटोज़ में और आपको यहाँ से एक कोई फ़ोटो चूज कर लेना है। तो ठीक है, मैं यहाँ से मेरी फ़ोटो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये फोटो चूज कर लिया। अब इसको यहाँ से आपको ऊपर डन दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन पर क्लिक करें तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है और मैजिक पर करना, ठीक है। मैनुअल आप कर सकते हो लेकिन मैजिक करना अच्छा होगा, आपको जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए मैजिक पर करना है और यहाँ पर जो भी सारा बैकग्राउंड है इसको आपको आराम से इरेज कर देना है। यहाँ से देखिए इरेज, अब मैं इसको इस बैकग्राउंड को धीरे धीरे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से इस सारे बैकग्राउंड को आपको इरेज कर देना है, एकदम आसान से आपको इरेज करना है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए मैंने इसको इरेजर से सारा मतलब जो बैकग्राउंड है मेरा वो इरेज कर लिया, ठीक है। आपको इस प्रकार इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं करना, बस सिंपल आसान है, आपको इरेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आप अगर बदलना चाहते हैं यहाँ से सारा बैकग्राउंड वगैरह तो आप सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर यहाँ से जाके ऊपर ऊपर आपको डन का बटन दिखाई दे रहा है, सुबह डन पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपको देख के इस प्रकार का ये फोटोज़ आ जाएगी। अब मेरी फोटो यहाँ से मैं कहीं भी रखकर उसका बैकग्राउंड बदल सकता हूँ, ग्रीन हो और हो कैसा भी हो, ठीक है। ऊपर आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा है, उस सेव पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये फोटो सेव हो गई है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर यहाँ पर आपको फिनिश का बटन दिखाई दे रहा है, फिनिश पर ओके कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड हम बदल लेंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश पर ओके कर देना और बैक आ जाना डायरेक्टली, ठीक है। अब बैक आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए मैं आपको जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ तो थंबनेल में एक इमेज किस प्रकार काम करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ चेंज, ठीक है, ब्लेंड कॉलेज का और ओके। अब यहाँ जाकर मैं फोटो ऐड करता हूँ, मेरी वही फोटो ऐड करता हूँ मैं जो मैंने ली है, तो मैंने यही फोटो ली है और इसको मैं ओके कर। अब देखिए मेरी फोटो यहाँ पर किस प्रकार शो हो रही है, यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड सारा वो चेंज आ रहा है और यहाँ से मैं थंबनेल बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैं थंबनेल भी इजी तरीके से बना सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए अब मैं थंबनेल बनाता हूँ तो यहाँ पर अब इस इमेज को बड़ी आसान से हम यूज़ में ले सकते हैं, इमेज को कहीं भी रख सकते हैं और किसी भी ग्रीन वगैरह जो भी बैकग्राउंड बदलना है उस बैकग्राउंड में ले जाकर इसको रख दीजिए, बस आपका बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए मेरा कितना अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इस इमेज का चेंज हो, तो आप इस तरीके से इमेज का बैकग्राउंड चेंज, अब इमेज को आप कहीं भी यूज़ ले लीजिए, आपको बार बार वो बैकग्राउंड इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कहीं भी इसको रख सकते हैं और कहीं भी इसको फोटो को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसमें किसी प्रकार को डाउट हो तो मुझे आप ऐड कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसलिए आपको खुला है, कमेंट बॉक्स आपका स्वागत, आप कमेंट को ऐड करके कमेंट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो।